जो मेरी प्लेइंग 11 है इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो मेरी प्लेइंग 11 में जो ओपनिंग में करेंगे वो है क्विंटन डिकॉक, जिस तरह की वो फॉर्म में और जिस तरह से वो बॉलिंग को अटैक कर रहे हैं और अभी तक बड़े कंसिस्टेंट हैं, तो मैं ओपनर लूँगा क्विंटन डिकॉक को। और क्विंटन डिकॉक के साथ अगर दूसरे एंड से मैं पार्टनर होंगे रोहित शर्मा जो दूसरे ओपनर होंगे, और रोहित शर्मा को मैं एज अ कैप्टन भी अपनी टीम का देखता हूं, क्योंकि जिस तरह से एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो इंडियन टीम को लेकर लीड कर रहे हैं, तो मैं अपनी टीम का कप्तान भी रोहित शर्मा को ही मुंतखब करता हूं। और नंबर 3 पर अगर आप बात करें तो विराट कोहली को मैं लिया है, और विराट कोहली देखें बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बैट्समैन है कि वो हर कंडीशन में सूटेबल हैं, आदर चेसिंग आदर टारगेट को आप सेट कर रहे हो तो, और हर तरीके से स्पिनर फास्ट बॉलर खेल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में विराट कोहली को मैं नंबर 3 करता हूँ। फिर नंबर 4 पे आएंगे मेरे विकेट कीपर बैट्समैन जिनको मोहम्मद रिजवान, क्योंकि जिस तरह की वो फॉर्म में और जिस तरह से कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रिजवान को मैं 4 नंबर पे लेता हूँ। और इसके बाद आते हैं मिडिल ऑर्डर, और मिडिल ऑर्डर में मैं हेनरी क्लासन को मैं लूँगा, जिस तरह की वो फॉर्म में और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और टेकिंग बॉलर को वो जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, तो हेनरी क्लासन नंबर 5 पे होंगे मेरे। फिर नंबर 6 पे मैं ऑलराउंडर लूँगा, और ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या को मैं फेवर करूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है सबको पता है अच्छे प्लेयर हैं, और एज अ फिनिशिंग रोल में मैं देखना चाहूँगा हार्दिक पांड्या को। उसके बाद आ जाते हैं मेरे दो स्पिनर, और स्पिनर में मैं मिचेल सैंडल लूँगा, किस तरह से वो इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह से उभर के आए, तो मेरे ख्याल में आप सब स्पिनर में वो अलग ही नज़र आ रहे हैं, और मिचेल सैंडल मेरे स्पिनर हैं, और उनके साथ मैं करूँगा एडम थम्पा को, क्योंकि देखें जिस तरह से वर्ल्ड कप शुरू हुआ फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया की फतह में मेन किरदार अदा कर रहे हैं और हर मैच में कंसिस्टेंटली आउट कर रहे हैं, तो एडम थम्पा होंगे मेरे स्पिनर। अब आ जाती है फास्ट बॉलिंग, तो फास्ट बॉलिंग में मैं जो मेरे स्पेयर हेड होंगे वो होंगे जसप्रीत बुमराह, जिस तरीके से वो जब से इंजरी के बाद से आए और जिस तरह से वो बॉल कर रहे हैं, अगर आप देखें नए बॉल पे विकेट लेके दे रहे हैं, जहां सेकंड स्पेल में आते हैं, फर्स्ट थर्ड स्पेल में आते हैं, लेटर ऑन द इनिंग आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो ही नोज हिज गेम वेरी वेल और एक्सिक्यूट करते हैं सारे प्लान। जसप्रीत बुमराह के साथ मैं लूँगा मैथ हेनरी, जिस तरह की वो फॉर्म में है और जिस तरह की कंडीशन है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं मैथ हेनरी। और आखिर में मैं लूँगा शाहीन अफरीदी, अगर आप देखें कि कहीं भी विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात हो तो शाहीन अफरीदी जो है वो ऑन द टॉप, तो शाहीन अफरीदी मेरे तीसरे फास्ट बॉलर होंगे।